नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का डीएनए बिहार में है। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए बिहार में है। बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। नफरत तो नफरत से नहीं काटा जा सकता, इसीलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु से चार पहिया वाहन से देर रात शराब जब्त। विक्रमशिला सेतु से गुरुवार की रात स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान एक चार पहिए वाहन से शराब व हथियार का खेप लेकर वहां से गुजर रही वाहन को पकड़ लिया। वाहन चालक के गंगा नदी के बगल में रेत पर छलांग लगाकर भागने की बात कही जा रही है। शराब बरामद किया गया है, जबकि हथियार को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने पिकअप वैन चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार तीन हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना उदय किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित गांधी चौक के पास की है। मृतक युवक की पहचान हथिया योद्धा गांव के वार्ड संख्या 1 निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बीजेपी विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से इस मामले में मिली बेल। साहेबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचला अधिकारी और कर्मचारी की पिटाई मामले में केस दर्ज में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। पारू के अंचला अधिकारी और राजस्व अधिकारी ने बीजेपी विधायक राजू सिंह पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ केस दर्ज भी किया गया था। बांका के गंगापुर गरेल गांव के आपसी विवाद में ग्रामीण को कुल्हाड़ी काट कर हत्या कर दी। बांका के अमरपुर थाना के गंगवारपुर गरेल गांव में आपसी विवाद में ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, साथ ही सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया गया है। वैशाली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, बेटी की हुई मौके पर मौत। वैशाली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया। हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव अधिकार के सवाल पर सीधे तौर पर कहा कि मानव अधिकार है, इसीलिए भारत में लोकतंत्र है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका दोनों में गहराई के समाये लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को लेकर दिए गए बयानों और उठते सवालों पर हैरानी जताई है। पीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र उनकी राष्ट्रीय पहचान और साझा विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी रगों और आत्माओं से बहता है। मोदी ने पुष्टि की कि लोकतंत्र सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि उनके संविधानों और सरकारों में प्रकट एक जीवित वास्तविकता है। किसान के लाभार्थी मोबाइल ऐप से कर पाएंगे फेस वेरिफिकेशन, जाने कब आएगी अगली किस्त। केंद्र प्रायोजित योजना पीएम किसान के तहत पंजीकृत कृषक एवं वन टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंटिंग के बिना आप अपना चेहरा स्कैन करके KYC पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर फेस वेरिफिकेशन सुविधा पेश की है। पीएम किसान मोबाइल ऐप पर नई सुविधा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश की। उन्होंने कहा कि योजना का कार्यान्वयन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत आसान हो गया है। बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 घंटे में बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ठनका गिरने की भी आशंका है, लिहाजा लोग सतर्क रहें। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 घंटों में बिहार के औरंगाबाद, गया और रोहतास जिले के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने सुनवाई।
ईओयू से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए नए सिरे परीक्षा लेने की याचिका पर सुनवाई की। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने की छापेमारी, मचा हड़कंप। टैक्स चोरी को लेकर केंद्रीय एजेंसी की नजर लगातार बिहार पर बनी हुई है। इसी कड़ी में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को एक बार फिर बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में नागरमल के प्रतिष्ठान के एक साथ छापेमारी की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने यह छापेमारी मुजफ्फरपुर के साथ भागलपुर, भोजपुर समेत कई अन्य जिलों में भी की है। फिलहाल मुजफ्फरपुर में नागरमल शोरूम में सेंट्रल जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि इस छापेमारी में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस बात पर खुलासा नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में अब तक करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। नवोदय विद्यालय में निकली 7500 से ज्यादा वैकेंसी, भरे जाएंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए पद। एजुकेशन सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट के लिए नवोदय विश्वविद्यालय समिति रोजगार पाने का बढ़िया मौका लेकर आई है। यहां 7500 से ज्यादा पद पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। वे उम्मीदवार जो एनडीएस के इन पद का आवेदन करने की इच्छाएं और योग्यता रखते हो, वे बताए गए प्रारूप के अंतिम तारीख से पहले अप्लाई कर दें। इस रिक्रूटमेंट ड्राइविंग के माध्यम से टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद भरे जाएंगे। एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 18वें संस्थान है सबसे आगे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में सबसे ज्यादा जापान के 117 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। इसके बाद 95 विश्वविद्यालयों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कायम रहे हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 71 था। SBI के ग्राहकों के लिए कुछ खबरें, अब डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन डिजिटल लॉकर की सुविधा लेकर आया है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है। इसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना लॉकर ओपन करवा सकते हैं। यहां आप अपने जरूरी दस्तावेजों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये लॉकर काफी सुरक्षित है। डिजी लॉकर को डिजिटल लॉकर भी कहा जाता है। आपको यह बता दें कि प्रामाणिक वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स की सुविधा देता है। यह एक तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वॉलेट है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। जब आप ये लॉकर खुलवाते हैं तो इसके लिए आपके कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ये लॉकर आपके आधार नंबर से जुड़ा होता है। बिहार के 3 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी, IMD का लेटेस्ट अपडेट जाने। पटना दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत 12 जून से बिहार में हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से वर्षा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि अब जल्द ही पूरे बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 3 दिन पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून मालदा और फारिसगंज के आगे बढ़ चुका है, जो अब दक्षिण मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भाग के पटना एवं उसके आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपको।